प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार उसने कहा था कहानी का जो पहला अंक था उसका हमने अध्ययन कर लिया था जिसमें दो बच्चे जो कि अमृतसर के बाजार में मिलते हैं उनके बारे में चर्चा हुई थी वहीं पर अमृतसर के बाजार में जो बम्बू काट वालों की जो भाषा है उसके बारे में भी बातचीत हुई थी आज हम इस कहानी का जो दूसरा अंक है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो देखिएगा राम राम यह भी कोई लड़ाई है दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई हैं लुधियाने से दस गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं जमीन कहीं दिखती नहीं घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और सौ गज धरती उछल पड़ती है इसी गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े नगर का जलजला सुना था प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर यानी कि जो दूसरा महा सॉरी जो प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसके बारे में भी चित्रण हुआ है यहाँ एक तरह से जो जर्मनी है उसके विरुद्ध यानी कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है और जो भारतीय जो सेना है वो वहां पर डटी हुई है उन्हीं के बारे में यहाँ ये बात बताई है और वहाँ का जो वातावरण है वहां की जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया है कि जो सैनिक है वो खंदकों में एक तरह से बैठे हुए हैं वो वहाँ पर यानी कि भयंकर सर्दी है दूसरी तरफ बारिश हो रही है वहीं पर बर्फ़ भी है ये लोग कीचड़ में धसे हुए हैं और जो ज़मीन है वो कहीं पर दिखती ही नहीं और वहीं पर अचानक यानी कि जो धमाके हैं यानी कि युद्ध के समय गिरने वाले जो बम हैं उनके कारण जो धमाके हैं वो सुनाई देते हैं और यहां पर यही बात यानी कि आपस में जो ये सैनिक हैं वो कर रहे हैं कि जो धरती है वो उछल पड़ती है इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े नगर कोट का जो जलजला था यानी कि उसके बारे में हमने सुना था आगे देखिएगा उसी क्रम में यहां दिन में 25 जलजले होते हैं यानी कि एक तरह से आग जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं छिपे रहते हैं यहाँ पर यानी कि उसी लड़ाई के बारे में ही यहां पर बताया गया है कि किस तरह से गोलाबारी और गोलीबारी वहां पर हो रही है उसी क्रम में देखिएगा लैना सिंह और तीन दिन हैं चार तो खंदक में बिता ही दिए परसों रिलीप आ जाएगी और फिर सात दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर कर खाकर सो रहेंगे उसी फिरेंगी मैम के बाग में मखमल का सहारा घास है फल और दूध की वर्षा कर देती है लाख कहते हैं दाम नहीं लेती कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो यहाँ पर ये यह जो खंदक में सैनिक हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से यानी कि जवाब आता है कि लैना सिंह अब तीन दिन और शेष रह गए चार दिन तो बीत ही गए हैं उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर रिलीफ आ जाएगी अर्थात अपनी छुट्टी हो जाएगी हम आराम करेंगे और अपने हाथों झटका करेंगे झटका करने का तात्पर्य है यहाँ पर कि ये लोग मांसाह हैं तो उस रूप में ही यहाँ पर झटके की बात कही गई है यानी एक तो जो मानसारी जो लोग होते हैं एक तो खलाल खाते हैं और एक झटका तो इन्होंने झटके की बात कही है खैर आगे देखिएगा और उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है फल और दूध की वर्षा कर देती है जहाँ पर यानी कि ये जो लोग ठहरे हुए हैं वैसे तो खंदक में हैं इस समय लेकिन जहाँ पर ये आराम फरमाएंगे वहाँ पर ये जो कोई अंग्रेजों महिला है उस महिला के घर में जहाँ पर बाघ है वहाँ पर ये रुके हुए हैं तब ये बात यहाँ पर कही गई है कि वो जो स्त्री है वो इनको यानी कि इनकी सुविधा के अनुसार इनको फल और जो दूध है वो उपलब्ध करवाती है और उनका पैसा नहीं लेती ला कहने पर भी यानी कि वो मना कर देती है उसी क्रम में आगे देखिएगा चार दिन तक पलक नहीं झापी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही मुझे तो संगीन पर चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए फिर सात जर्मनों को अकेला मारकर न लौटू तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं यूँ अंधेरे में तीस तीस मन का गोला फेंकते हैं उस दिन दावा किया था चार मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर उसी वातावरण के बारे में चित्रण कर रहे हैं और इन लोगों की मन स्थिति के बारे में भी बताया गया है यहां पर जो पहली पंक्ति है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जैसे चार दिन तक पलक नहीं जबकि नींद नहीं ली वहीं ये अब जो पंक्ति आएगी इस पर प्रश्न भी बनता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही इस पंक्ति का आशय है कि अगर घोड़े को नेला दुल्हा करके बाहर घुमाया फिराया नहीं जाए तो वह है अड़ियल हो जाता है उसी तरह से अगर सिपाही को भी युद्ध के मैदान में अगर नहीं भेजा जाए तो ऐसी स्थिति में वह भी आलसी हो जाता है ये बात मूल रूप से यहाँ पर समाहित है आगे इसी क्रम में कह रहा है कि मुझे तो संगीन पर चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए यानी वहाँ से युद्ध के लिए प्रस्थान का हुक्म मिल जाए तो फिर सात जर्मनों को अकेला मार न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो कहने का तात्पर्य है कि अगर युद्ध के लिए आदेश मिल जाए तो वह सात सात जर्मनों को अकेला ही मार करके और फिर उसके बाद में यानी कि जो दरबार साहब की जो दहली है उस पर अपना माथा है वो टेके पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं यहाँ पर यानी कि जो युद्ध करने वाले उनके जो हथियार हैं उनको देखते हैं तब तो यानी कि सामने जो सैनिक हैं वो भयभीत हो जाते हैं डर जाते हैं पैर पकड़ने लगते हैं और यूं वो अंधेरे में क्या है कि इन लोगों पर गोलाबारी करते हैं गोलीबारी करते हैं और यहाँ पर यह भी बताते हैं कि यानी पहले दिन जब ये धावा हुआ था युद्ध हुआ था तो चार मिल तक यानी कि एक जर्मन को नहीं छोड़ा था काफ़ी वो पीछे तक हट गए थे दौड़ गए थे और लेकिन परंतु वहाँ पर होने वापस वहाँ से हटने का आदेश मिलता है यहाँ पर ये बात करा कि वो हटने का आदेश नहीं मिलता तो शायद बहुत आगे जाते तो उसी क्रम में देखिएगा नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते क्यों सुबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर आ, कहा लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। तीन सौ सो मील का सामना एक तरफ बट गए तो क्या हो हुग? क्या होगा यहां पर ये यह आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसी क्रम में जो सूबेदार हजारा सिंह है उन्होंने भी जवाब दिया यानी कि ये जो लड़ाई वगैरह है ये कोई एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाई थोड़ी जाती इस है इसमें जो अफसर लोग हैं उच्च जो अधिकारी हैं वो हर प्रकार की बात सोचते हैं जीतने की हारने की जन धन की सारी बातों को ध्यान में रख करके और फिर ऐसे निर्णय करते हैं और यहाँ पर सूबेदार हजारा सिंह एक बात और भी कहता है कि अगर आगे बढ़ गए तो क्या होगा भाई एक तरफ आगे बढ़ गए तो दूसरी तरफ से भी यानी कि उन इनको घेरा जा सकता है तो वहाँ पर भी ये दबाव में आ सकते हैं आगे देखिएगा सूबेदार जी सच है लेना सिंह बोला पर क्या करें हड्डियों खड्डियों में तो जाड़ा धस गया सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए यहाँ पर जो लेना सिंह इस कहानी का जो मुख्य पत्र है वो सूबेदार से कहता है कि हाँ बिल्कुल आपकी बात सच है परंतु सर्दी के कारण क्या है कि जो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो अकड़ गई हैं सूर्य के कहीं दर्शन नहीं होते और जो ये जो अपनी गहरी जो खंदक खाई है इसमें क्या है कि चंबे की बावलियों के से सोते यानी कि झरना सोते का मतलब होता है झरना ये चारों ओर से यहां पर पानी गिर रहा है अगर एक बार लड़ाई हो जाती तो थोड़ा सा जो शरीर है वो शरीर भी खुल जाता उसमें भी गर्मी आ जाती उसी क्रम में देखिए उद्मी उठ सिगड़ी में कोले डाल वजीरा तुम चार जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको महासिंह शाम हो गई है खाई के दरवाजे का पैरा बदल दे ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बार फेंकता हुआ बोला मैं पाधा बन गया हूँ करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर उसी क्रम में यानी कि बात कही गई है कि जो उद्यमी है उसे उठने के लिए कहा गया सिगड़ी जलाने की बात कही गई जो वजीरा सिंह है उसको खाई से पानी निकालने की बात कही गई है महासिंह है उसको पैरा बदलने की बात कही गई है और जो सूबेदार है वहाँ पर चारों ओर घूम रहा है जो वजीरा सिंह है पलटन का विदूषक है विदूषक का मतलब होता है मस्करा जोकर जिसको बोले हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति और वो इसी तरह से हंसी मजाक करता हुआ वो कहता है जो बाल्टी है उसमें उस खाई में से गंदा पानी जो भरकर के बाहर निकालते हुए वो बोलता है कहता है और यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाता है कि वजीरा सिंह ने क्या कहा कि मैं पाधा बन गया हूँ पाधा का अर्थ होता पुरोहित कर्मकांड करने वाला कि मैं पाधा बन गया हूँ करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण और ध्यान रखिएगा तर्पण व्यक्ति के मरने के मरने पर होता है उसे जल या जल चढ़ाया जाता है इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए अर्थात सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसी क्रम में देखो लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथों में देकर कहा अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी तो ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा हाँ, देश क्या है स्वर्ग है मैं तो लड़ाई की बाद सरकार से दस गुना जमीन या मांग लूँगा दस घुमा जमीन या मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा लाडी खोरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरेंगी मैम चुप कर यहाँ वालों को शर्म नहीं आपस में बातचीत हो रही है हंसी मजाक हो रही है प्यारे विद्यार्थियों और ये एक तरह से जो लैना सिंह है उसने दूसरी जो पानी जो बाल्टी भरकर के और उसके हाथों में देते हुए कहा कि ये लो अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो ये जो ऐसा खाद का जो पानी है वो पंजाब में तो मिलेगा नहीं हाँ देश क्या है स्वर्ग है मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस घुमा जमीन घुमा जो होता है एक नाप होता है जैसे बीघा वगैरह होता है ना उसी तरह से ये नाप है एक तो दस घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा उधर यानी कि फिर लहना सिंह का जवाब होता है कि लाडी खोरा को भी यहाँ बुला लोगे या फिर वही दूध पिलाने वाली फिरेंगी मैम तो वो एक तरह से प्यार से फटकारता कि चुप क्योंकि यहाँ वालों को शर्म नहीं है कहने का तात्पर्य है कि ये पश्चिमी सभ्यता है और यहाँ पर इन लोगों को किसी भी तरह की कोई शर्म शंका नहीं है उसी क्रम में देखिएगा देश देश की चाल है आज तक मैं उसे समझा न सका सिख तम्बाकू नहीं पीते वह सिगरेट देने में हट करती है ऑटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं यहाँ पर उस फिरंगी मैम के बारे में बात कही गई है कि हर जगह अपनी अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है आचार विचार हैं और यहाँ पर यह कह रहा है कि जो सिख है वो तंबाकू नहीं पीते आ, वह सिगरेट देने का हट करती है उसके होठों से लगाती है वह पीछे हट जाता है तो वो जो फिरंगी मैम है वो समझती है कि ये नाराज हो गया और अपने इस देश के लिए वो लड़ेगा नहीं। आगे देखिएगा अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है अच्छा है जैसे मैं जानता ही न हो रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो आप कीचड़ में पड़े रहते हो कहीं तुम न माने पड़ जाना जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुर्बे नहीं मिला करते यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यानी कि लैना सिंह और हजारा सिंह जो हैं उन दोनों के मध्य सूबेदार हजारा सिंह उन दोनों के मध्य जो बातचीत है वो चल रही है और हजारा सिंह है हाँ वो प्रश्न कर रहा है कि जो बोधा सिंह है वो कैसा है तो इधर से जवाब आता है कि वो अच्छा है फिर वह हजारा सिंह कहता है कि मैं जानता नहीं क्या यहाँ पर देखो एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो लैना सिंह है वो बोधा सिंह की सेवा किस प्रकार से करता है तो उसका जवाब भी यहाँ पर है ये देखिएगा कि वह रात रात भर जो अपने कंबल हैं वो उसे उड़ाता है यानी कि सिगड़ी के सहारे स्वयं रात गुजार देता है और बोधा सिंह के स्थान पर स्वयं पैरा देता है और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाता है और स्वयं कीचड़ में पड़ा रहता है यहाँ पर जो हजारा सिंह वो कहता है कि कहीं आप मादे न पड़ जाना बीमार मत पड़ जाना जाड़ा क्या है यानी सर्दी क्या है मौत है निमोनिया से मरने वालों को मुर्बे नहीं मिला करते जो व्यक्ति निमोनिया से मर जाता है उसको यानी कि एक तरह से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और उन्हें मुर्बे नहीं मिलते मुरबा जो है आ, वो एक तरह से जमीन का एक नाप के रूप में होता है उसी क्रम में देखिएगा मेरा डर मत करो मैं तो बुलेरी की खड के किनारे मरूंगा भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी यहां पर जो बात कह रहा है लेना सिंह वो यही करा है कि मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैं तो अपने ही गांव में और अपन यानी कि उसका जो भाई कीरत सिंह है उसकी गोदी में अपना सिर रख करके और खुद के द्वारा लगाया गया जो आम का पेड़ है उसकी छाया में ही वहाँ पर ही शांत होगा तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर यानी कि हमने आज दूसरा अंक है उसका अध्ययन किया है इसमें लगभग दो तीन प्रश्न बन रहे हैं जिन पर हमने चर्चा की है उनका हमें ध्यान रखना है और अब हम जो बात करेंगे आ वो आगे तीसरे अंक के बारे में बात करेंगे और आज के वीडियो में बस इतना ही अब आगे वाला जो वीडियो होगा वो तीसरे अंक को आधार बना करके फिर होगा तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद